नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो बेस्ड है ऐसे लोगों के लिए, जो ऐसे पत्नियों के लिए जो मेंटेनेंस के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बेहद अच्छा डिसीजन आया है। यदि आपके साथ मेंटेनेंस को लेकर के, गुजारा भत्ता को लेकर के किसी भी तरह की कोई समस्या आपके अपने पति के साथ चल रही है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि यदि विवाह स्पष्ट ना हो, यदि विवाह को प्रमाणित नहीं किया जा सके, ऐसी स्थिति में पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए अभी हाल ही के निर्णय में कहा है कि यदि पति और पत्नी यानी महिला और पुरुष साथ में रहते थे, मौखिक बयान से, गवाहों के बयान से यदि यह पता चलता है कि इन लोगों में किसी भी प्रकार का शादी हुआ था, चाहे तथ्य ना हो, चाहे उसको प्रमाणित ना किया जा सके, केवल गवाहों के बयान से या मौखिक साक्ष्य के आधार पर या पत्नी के बयान के आधार पर भी यह पता चले कि शादी हुई थी, तो उस स्थिति में भी गुजारा भत्ता बनता है और पति को गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। दोस्तों, मामला यह था कि एक व्यक्ति और मतलब एक लड़का और लड़की, उन लोगों ने मंदिर में जाकर के शादी कर लिया। शादी करने के कुछ वर्षों के बाद जो महिला थी उनको दो बच्चे हुए और तब तक जो पति था उसने किसी और औरत के साथ में शादी कर लिया। जब किसी और औरत से शादी कर लिया तो महिला ने मेंटेनेंस के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोर्ट में जब एप्लीकेशन डाली, उस एप्लीकेशन में ही जो अपील होते होते जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने उन बच्चों के लिए भी और पत्नी के लिए भी मेंटेनेंस अलाउ किया। और इसमें जो पति कह रहा था वह यह कह रहा था, चूंकि मंदिर में शादी हुई थी उसके कोई साक्ष्य नहीं थे यानी कोई सर्टिफिकेट नहीं थे, तो पति बार बार यह दावा कर रहा था कि हमारी शादी हुई ही नहीं थी, हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, जिसको कोर्ट ने नहीं माना और पत्नी के हक में मेंटेनेंस को अलाउ किया। तो यह बहुत ही माइलस्टोन एक डिसीजन है जो कई लोग जो मेंटेनेंस के ऊपर अपने केस को फाइट कर रहे होंगे उनके लिए काफी महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।